ये है मरुस्थल के बीच बसे हुए गांव की अजब गजब कहानी। ये अजब गजब कहानी है और गांव भी अजब गजब है। आपने देश में बहुत से गांव देखे होंगे जहां आने जाने की सुविधाएं नहीं, जरूरत का सामान नहीं मिलता, बुनियादी जरूरतों का अभाव रहता था, सड़कें ठीक नहीं, पानी बिजली की समस्या रहती है। लेकिन इस अजब गजब गाँव के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे गाँव में कौन नहीं रहना चाहेगा। जी हाँ, ये गांव ऐसा है कि हर कोई यहाँ बसना चाहे। ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये गांव मरुस्थल के बीच बसा है। ये मरुस्थल राजस्थान का नहीं है बल्कि ये दूसरे देश में है। पेरू में बसे ये गांव हरा भरा है। इस गांव का नाम हुका चाइना है। इस गांव में केवल 96 परिवार ही रहते हैं, लेकिन गाँव में होटल और दुकानें सब कुछ है। यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी घूमने आते हैं और उन्हें सनसेट का अद्भुत नजारा दिखाया जाता है। ये गांव कैसे बसा, इसके बारे में भी दिलचस्प कहानी है। यहां एक झील भी है। इस झील में जब परी नहा रही थी तो एक शिकारी ने उस पर निशाना साधा। वो तो बच गई, लेकिन उसके कपड़े उड़कर झील पर गिरे, जिससे वहां बड़ा टीला बन गया और इसे टीले के भीतर ये गांव बसा है। रात का नजारा तो और भी शानदार है। आप तस्वीर देखकर ही समझ गए होंगे कि यहां जाने पर कितना आनंद मिलता होगा।